हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे पास एक मोटर है जो कि जल गई है यार, तो हम आज का प्रोजेक्ट जो करेंगे इसकी रिवाइंडिंग करेंगे रेलवे में। चलिए सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। इसे बैक साइड मैंने खोल लिया है। इस पर एक प्लास्टिक का फैन लगा होता है कूलिंग के लिए। ये हमारा जल गया है फ्रेंड्स। इसके कम्यूटेटर में 5 पार्ट हैं। सिंपल एक वन साइडेड वे में ये वाइंडिंग होती है इसकी। एक जगह से जहाँ से शुरू किया गया है, हम उससे एक साइड से, अगर हमने इस साइड में रोटेशन ऐसे दिया है तो हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लेंगे, फिर दूसरे में ऐसे घुमाते रहेंगे सभी पे चारों तरफ लाके, लास्ट में फाइनली जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हम जोड़ देंगे। चलिए मैं काट लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने सारा खोल लिया है और इसके जो एक टर्न में, एक जो इसमें घेरा था, इसमें 40 राउंड थे वायर के हमारे वाले। तो जैसे हम इसकी अभी जब हम इसको बांध रहे हैं, दोबारा से हम इसको बना रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं, तो हम इसमें इसकी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे। और मैं सिंपली आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जो किसी भी डीसी मोटर की स्पीड होती है वो 3 मेथड से वेरी की जा सकती है। हमारी जो डीसी मोटर की स्पीड होती है फ्रेंड्स, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है हमारा जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है इसकी, उसका फ्लक्स जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना ज़्यादा फ्लक्स है फील्ड वाइंडिंग में स्पीड उतनी कम है, और जितना कम फ्लक्स है फील्ड वाइंडिंग में उतनी ज़्यादा स्पीड है। पहला मेथड ये था। क्योंकि हमारी इसकी जो फील्ड है वो तो हमारी परमानेंट मैग्नेट है, उसको हम वेरी कर नहीं सकते। अब नेक्स्ट मेथड बताता हूँ मैं। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, इसका जो फील्ड वाइंड, इसकी आर्मेचर वाइंडिंग का करंट जितना है, उसको आर्मेचर मेथड भी बोलते हैं, इसका करंट जो जितना भी है उसका अगर हम रेजिस्टेंस कम करते हैं, यानी रेजिस्टेंस कम करने का मतलब है इसका जो वायर है उसकी अगर हम लेंथ कम करेंगे, यानी इसमें 40 राउंड से हम इसको अगर 35 कर देते हैं, 38 कर देते हैं, तो उसका जो वायर था उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस में कम हो जाएगा पर पोल पे, और हमारी इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हम जो करने वाले हैं इसमें वो, और जो थर्ड मेथड है वो मैं आपको और बता देता हूँ भाई। मतलब हम एक वोल्टेज मेथड बोलते हैं उसको, जिससे हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। वो आर्मेचर की सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें तो हम इसका जो वोल्टेज जो आ रहा है इसमें वो कंट्रोल कर सकते हैं, और हम इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस वायर के मैं इसमें टर्न्स देने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें पहले से 40 थे तो मैं इसमें 40 नहीं डालूंगा, इसमें मैं करूँगा 36 राउंड लगा देता हूँ। मैं आपको जल्दी से करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 36 टर्न लगा दिए हैं, 36 लगा दिए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो पत्ती है इधर वाली, ये जो पत्ती है, अब मैंने 36 राउंड कर लिया है इसमें। थोड़ा हमें स्पीड बढ़ानी है, पहले 40 थे, अभी मैं दूसरे वाले में डालता हूँ और इसमें 36 राउंड लगा देता हूँ। एक ही डायरेक्शन में करेंगे हम। फ्रेंड्स, ये हमारी वायरिंग हो गई है और मैंने एक, जैसे ये कम्यूटेटर की पत्ती दिख रही है आपको, ये 5 इसमें है, एक से शुरू करके मैंने एक डायरेक्शन में किया है, 37 राउंड्स लिए हैं, और फिर जैसे 37 पूरे हो गए सेम, फिर 37 राउंड लिए हैं दूसरे में, दो के बीच में मैंने दो के गैप में दिया है, ये जो एक स्लॉट छोड़ा है दो के बीच में ऐसे दो में, फिर ये पूरा हो गया है ऐसे मैंने करके 37 37, और लास्ट में जहाँ पे टच हुआ वहाँ पे लाके मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इनको हल्का हल्का सोल्डर कर देता हूँ। फिर फ्रेंड्स, मैंने मीटर को 200 ओम पे लगा दिया है और ये सारी सोल्डरिंग मैंने कर दी है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस चेक करके बताता हूँ एक पत्ती से, अगर सभी में रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब कनेक्शन हमारा सही हो गया है हर जगह पे। देखिए, आप देख रहे होंगे मीटर में चेंज हो रहा है, मैं हर पत्ती के ऊपर चेंज कर रहा हूँ इसको घुमा के। इसमें 5 ये कम्यूटेटर में पत्तियाँ हैं, तो 5ों पे आपको दिखा देता हूँ, पूरा कनेक्शन हो गया है, जस्ट हम इसको फिट करेंगे। फ्रेंड्स, ये फैन इस पर मैंने लगा दिया है जो कूलिंग के लिए इसमें था। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ इसकी हाउसिंग में। फ्रेंड्स, ये मैंने बैक कवर लगा लिया है और मल्टीमीटर को मैंने सेट किया है 20 वोल्ट डीसी पे। मैंने दोनों ये अपनी मेरी लीड्स लगा ली हैं मल्टीमीटर की इसमें, और अब मैं चेक करता हूँ इसको एज जनरेटर टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये मीटर में, जैसे मैं हाथ से घुमा रहा हूँ तो ये मीटर में वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो ये प्रोजेक्ट था ये सक्सेसफुल है।
आई होप आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यार, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूँगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो।